Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Second year Tuesday is our lecture number 4, which is limit of a function. तो limit of a function में हमारे पास क्या है कि for example हमारे पास कोई भी function है f of x which is defined on in an open interval near the number a. यानी कि अगर हम a अगर आप नीचे graph में देखें तो अगर हम a के इर्द गिर्द कोई open interval बनाएं और उसमें interval के अंदर हमारा जो function है वो defined हो, यानी कि उस पर हमें कोई undefined value ना मिलती हो, तो फिर हम कहेंगे कि if as x approaches to a, कि जिस तरह से आपका जो horizontal axis पे x axis होता है ना, जैसे जैसे x जो है वो a को अप्रोच करता है दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, इसी तरह जो हमारा f of x है वो अप्रोच करेगा किसको, नंबर l को, तो l हमारी क्या कहलाएगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन. और इसको हम सिम्बोलिकली लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l. और इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू ए इज़ एल, यानी कि जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है ए को वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स जो है, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा अप्रोच करेगा किसको, एल को, तो एल हमारी क्या होगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन होगी. इसी तरह से हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट हम लोग देखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन, जहाँ पे ए हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और एन कोई भी इंटीजर है. इसी तरह से हमारे पास है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, ई, यानी कि अगर अंदर आपके पास वन प्लस समथिंग कोई फंक्शन है, वन डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो ऊपर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी कि अगर फंक्शन के जो अंदर वन प्लस वन ओवर एन है तो ऊपर एन होना चाहिए, इसी तरह से अगर अंदर एन हो तो ऊपर वन ओवर एन होना चाहिए. तो इस तरह के फंक्शन का आंसर हमारे पास क्या आता है, ई. इसी तरह से हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ ई ए. इस तरह से हमारे पास है सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शन हो एफ जी ए, किस तरह से कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है ये इन दोनों के दरमियान सैंडविच फंक्शन है. तो हमें सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमें लिमिट पता हो किसकी, दूसरे साइडों वाले दोनों फंक्शंस की, यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स भी एल हो और लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स भी एल हो, तो हमारे पास लिमिट ऑफ द सेंट्रल फंक्शन भी क्या होगी, एल होगी. तो इसको किस तरह से उसने लिखा हुआ है कि लेट एफ एंड जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ, कि हम किसी नंबर सी पे उसकी जो लिमिट है चेक कर रहे हैं, तो हमारे पास इन सब की लिमिट फिर क्या होगी, अगर साइड्स वाले फंक्शन की लिमिट एल है तो सेंट्रल फंक्शन की भी वही लिमिट होगी. आगे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि इवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स. थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स क्या हैं कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनके बाहर फंक्शन को लिमिट हो तो फिर वो लहदा लहदा उन पर लिमिट अप्लाई हो जाती है. इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो दो फंक्शंस, तो उन पर लहदा लहदा हमारे पास लिमिट अप्लाई हो जाती है. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर. तो इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, सब पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ पर हम थ्री नंबर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा फोर. इसी तरह से इसका वी पार्ट है, यानी कि फिफ्थ पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. तो इसमें भी अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसका भी आंसर हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा. इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है, लिमिट इस पार्ट नंबर वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस वन. इसमें अगर हम डायरेक्ट नंबर लिमिट पुट करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस वन पुट करते हैं, तो हमें ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म मिलते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में भी ज़ीरो आएगा और डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो आएगा. तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है. तो जब भी हम लिमिट अप्लाई करें और हमारे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आए, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करते, फिर हम पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं
और फिर ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि हमारे पास 0/0 फॉर्म ना आए, फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व जब करते हैं तो ऊपर वाले में से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर x प्लस वन हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो फिर ये प्लस वाले ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x³ - 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म मिलती है, सो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स, और 8 को हम इस सॉल्व करने के लिए ऊपर a³ - b³ का फार्मूला बनाएंगे और नीचे वाले क्या हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऊपर नीचे से हमारे पास x-2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12/5। इसी तरह से हमारे पास है इसका 8 पार्ट, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 √x + h - √x/h। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म मिलती है, सो हम पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 √x। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9, लिमिट एक्स प्रोसेस टू एक्स माइनस एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम। तो इसके लिए हम इसको एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो दोनों के नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, इसी तरह से एक्स पावर एम माइनस ए की पावर एम ओवर एक्स माइनस ए हो जाएगा। और ऊपर नीचे हम दोनों में लिमिट अप्लाई अलहदा अलहदा करेंगे तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम मैंने पहले आपको बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू होता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। तो इसी तरह हम ऊपर नीचे हमारे पास ऊपर क्योंकि पावर एन है तो एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन आएगा, नीचे पावर एम है तो एम इंटू ए की पावर एम माइनस वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एन ओवर एम हम साइड पर ले लेंगे और नीचे जो ए एम माइनस वन ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और फिर ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर माइनस एम प्लस वन हो जाएगा, फिर बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एन ओवर एम इंटू ए की पावर एन माइनस वन हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 - cos θ ओवर साइन थीटा। तो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 फॉर्म मिलेगी, सो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 - cos θ तो 1 + cos θ से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपोजिट साइन के साथ, तो उसके बाद ऊपर वाले बन जाएगा 1 - cos²θ ओवर साइन थीटा इंटू 1 + cos θ, और 1 - cos²θ हमारे पास होता है साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वल। सो एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और बाकी पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/2 यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है इसका 5th पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin AX / sin BX। तो इसमें भी हम AX / BX से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर आ जाएगा और डिवीजन वाला दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो sin AX / AX sin BX / BX हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin θ / θ = 1, यानी कि साइन के साथ सेम जो एंगल है वही एंगल नीचे अगर हो और लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो ऊपर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास a/b ((1/1) आ जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा a/b। इसी तरह से हमारे पास है 10th पार्ट, सीकेंट x-cos(x)/x, सीकेंट इसको हम सीकेंट, इसमें सीकेंट को हम 1/cos लिखेंगे और फिर 1/x बाहर ले आएंगे, 1/cos - cos(x) हो जाएगा और फिर cos को हम एलसीएम लेंगे तो 1 - cos²(x) और 1 - cos²(x) sin²(x) के इक्वल होता है, तो sin²(x)/x हो जाएगा, फिर हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x (sin²(x)/x)cos(x) हो जाएगा, तो x/cos(x) हम बाहर ले लेंगे तो sin²(x)/x² हो जाएगा। उसके बाद हम इन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, sin²(x) का होल स्क्वायर ले लेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू +∞ 1 - 1/(n)। तो इसको हम प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, अंदर वाले फंक्शन को 1 + ((1)-n) की पावर n। तो इसको क्योंकि अंदर जो है 1/-n है तो इसका रेसिप्रोकल बनता है -n, -n बनाने के लिए हम पूरे फंक्शन को नीचे लेके आएंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव।
तो फार्मूला हम लगाएंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन इज इक्वल हो, तो वो ई के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा वन ओवर ई। तो वन ओवर ई इज इक्वल होता है ई की पावर माइनस वन, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास इसका पार्ट नंबर फोर है, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर थ्री एन की पावर एन, और उसके बाद क्योंकि अंदर है हमारे पास वन ओवर थ्री एन, और इसका रेसिप्रोकल बनता है थ्री एन। थ्री एन बनाने के लिए हम पावर में थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन वाला थ्री एन बन जाएगा, और डिवीजन वाला वन ओवर थ्री बाहर आ जाएगा, और उसके बाद अंदर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए की पावर वन ओवर थ्री हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका इलेवन पार्ट है के लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, वन ई की पावर वन ओवर एक्स माइनस ई वन। तो अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है, क्योंकि ई की पावर वन ओवर जीरो होगा अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है, ई की पावर इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी तरह से नीचे वाला भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी हमें अनडिफाइंड फॉर्म मिलती है, तो लिहाजा हम इसमें भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, इसको भी पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम ऊपर से और नीचे से ई की पावर वन ओवर एक्स कॉमन लेंगे, और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों दोनों अलग दोनों पे अलग अलग, और वन माइनस वन ओवर ई की पावर वन ओवर जीरो, वन ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है, तो वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वन ओवर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस जीरो ओवर वन प्लस जीरो, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन।